दस भवंदन दूसरांग। इसलिए यह बात अच्छी तरह से हृदयंगम हो जानी चाहिए कि यह तथाकथित आत्मा रूप वेदना संज्ञा संस्कार तथा विज्ञान इन पांच स्कंधों के समुदाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और कि इसके मूल में तृष्णा ही है, और कि इस आत्म दृष्टि का उच्छेदन होने से ही तृष्णा का उच्छेद होता है, और कि यही निर्वाण है, और कि तृष्णा का समूल उच्छेद का मार्ग ही अरिष्टांग मार्ग है। इन्हीं चार बातों से ठीक ठीक समझकर आदमी को चाहिए कि वह अरिष्टांग मार्ग का पर चलकर तमाम इंद्र से मुक्त हो और परम सुखं की प्राप्ति करे। अंतिम मुक्ति सभी दुखों के उपशमन निर्वाण का साक्षात्कार करें। विचिकित्सा शंका कुशंका आदमी की प्रकृति तथा उन्नति में जिन 10 सांसारिक बंधनों अथवा संयोजनों से बाधा पड़ती है, उनमें से एक है विचिकित्सा अथवा संदेह। यह चित्त की वह अनिश्चयवादी अस्थिर अवस्था है जो कभी कभी यथार्थ ज्ञान के इच्छुक के मार्ग में बड़ी बाधा बन जाती है। किसी भी बात को निश्चित रूप से ग्रहण न कर सकने के कारण आदमी अनिश्चयवाद की क्लांति से थक जाता है, और उसका यह अनिश्चयवाद एक लाइजाज मर्ज बन जाता है। चित्त की ही अवस्था विचिकित्सा अथवा विचिकित्सा कहलाती है। जिस रास्ते के बारे में यह कुख्यात हो कि उस पर डाके पड़ते हैं, उस रास्ते जाने वाला राही पत्तों के गिरने की से उत्पन्न होने वाली खड़खड़ाहट से अथवा पत्तियों की आवाज़ से भी बहुत चक्कर खड़ा रह जाता है। वह निर्णय नहीं कर पाता या कर सकता कि उसे आगे बढ़ना चाहिए अथवा पीछे लौट जाना चाहिए। वह भय से त्रस्त हो जाता है और किसी भी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच पाता। ऐसी राही की चित्त की अवस्था जैसी वैसी ही है जैसे जिस तरह की चिकित्सक के चित्त की अवस्था होती है। अपरिचित पथ के चौरस्ते पर खड़ा आदमी जब तक यह नहीं कर सक पाता कि वह पूर्व की ओर बढ़े या पश्चिम की ओर बढ़े, दक्षिण की ओर बढ़े या उत्तर की ओर बढ़े, पीछे की ओर हटे, या उस समय उसके चित्त की जो अवस्था होती है वह सामान्य संदेहवाद अथवा विचिकित्सा है। और जिस विचिकित्सा की गिनती 10 संयोजनों में होती है, वह तो वह चिकित्सा है जो बुद्ध तथा धम्म के संबंध में निम्नलिखित 8 बातों को लेकर पैदा होती है। तथागत के संबंध में विचिकित्सा, यह विचिकित्सा 2 तरह की मानी गई है। तथागत के शरीर के संबंध में विचिकित्सा तथागत के गुणों के संबंध में विचिकित्सा। तथागत के शरीर के संबंध में विचिकित्सा का मतलब है इन महापुरुष लक्षणों के विषय में विचिकित्सा। कहा जाता है कि चक्रवर्ती नरेशों के शरीर पर भी ये अपने पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते थे। जिन लोगों का मन विचिकित्सा बंधन में बंधा रहता था, उनके मन में तथागत के शरीर की संपूर्णता के विषय में विचिकित्सा बनी रहती है। तथागत के शरीर की उपमा उस निर्भय कलाकृति से की जा सकती है जिसे शील रूपी शिल्पी ने युग युगांत के अध्यवसाय से खड़ा हो। बुद्धि की सर्वज्ञता के विषय में विचिकित्सा उन्हें भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान हो सकता था या नहीं। बुद्ध धर्म के 9 लघुत्तर गुणों के बारे में विचिकित्सा, श्रोता उत्ति मार्ग आदि 4 मार्गों के बारे में विचिकित्सा।